नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग बहादुर आपका दोस्त थापा ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैक्रोनी बनाने सीखते हैं। आइए देखिए दोस्तों, मैंने पानी चढ़ा रखा है, ये देखिए। ठीक है जी, ये 2 लीटर के आसपास पानी है, मैंने गर्म करने के लिए चढ़ा रखा है, हल्का हल्का गर्म। देखिए दोस्तों, ये मैक्रोनी मैंने आधा किलो ले रखा है। और देखिए दोस्तों, सब्जी मैंने प्याज ले रखे हैं, 5 पीस प्याज छोटे छोटे ही हैं, 3 पीस टमाटर ले रखे हैं, बाकी हरी मिर्च ले रखा है, थोड़ा सा बीन्स लिया है, धनिया लिया है और शिमला मिर्च, 1 शिमला मिर्च ले रखा है। मैं इनको कटिंग करता हूँ, बॉईल करता हूँ, आप लोगों को सिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, पानी उबल गया है, पानी में ये मैक्रोनी डाल देते हैं। पानी उबलने के बाद ही मैक्रोनी डाल लीजिएगा, और पहले डालेंगे तो हो जाएगा। पानी उबल गया है, थोड़ा सा मैक्रोनी डालने के बाद इसको हल्का सा इसको एक बार ऐसे करके छोड़ देते हैं, थोड़ा सा ढक्कन लगाएंगे ताकि उबलते ही हम ढक्कन हटा देंगे इसको। देखिए दोस्तों, इसमें उबल आ गया था, मैंने ढक्कन हटा दिया। अब इसको बगैर ढक्कन के ही पकाना है, अब बीच बीच में चलाते रहना है, ये थोड़ा फूल जाएगा। ठीक है जी, देखिए दोस्तों, मैक्रोनी उबल के बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए कैसे पूरा फूल जाता है, और देखेंगे तो बिल्कुल मुलायम हो जाता है। देखिए बिल्कुल मुलायम होकर करके ही निकालेगा, थोड़ा सा भी हटने से तो उसको पकना दीजिएगा। मेरा पूरा मुलायम हो गया है, अब पक गया, ये तैयार हो गया। अब मैं इसको गैस बंद करके छन्ना में छान दूंगा और ठंडा पानी से तुरंत धोऊंगा इसको। देखिए दोस्तों, मैंने छन्ना में छाना था इसको, छानते फिर ठंडे पानी से धोया, बिल्कुल ठंडा कर दिया। इसमें यह है कि अगर आप थोड़ा टाइट निकालते हैं तो कच्चे रह जाता है, और पका के निकालेंगे अगर उसको ठंडा नहीं करेंगे तो फिर गल जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैंने ठंडा पानी से धो दिया, ये ठंडा हो गया बिल्कुल। देखिए प्याज काट के रख, देखिए मैंने प्याज काट लिया है, टमाटर काट के रख लिया, बीन्स काट के रख लिया, शिमला मिर्च, धनिया और हरी मिर्च। हमारा मैक्रोनी उबल के तैयार है, ये कटिंग हो गई हमारी सारी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट करके रखा है मैंने। देखिए दोस्तों, मैंने कढ़ाई रखा है, कढ़ाई में तेल डाला है। ठीक है, तेल मैंने करीब बड़े चम्मच का 3 से 4 चम्मच तेल डाला है, 4 से 5 चम्मच होगा, ज़्यादा नहीं है। अब तेल थोड़ा गर्म होने देते हैं, फिर इसमें हम बाकी प्याज वगैरह डालेंगे। देखिए दोस्तों, प्याज गर्म हो, तेल गर्म हो गया है, अब प्याज डाल देंगे हम इसमें। देखिए प्याज डाल दिया है, प्याज थोड़ा इसको भून लेते हैं, थोड़ा प्याज ब्राउन होने तक भून लें, बाकी आगे फिर और डाल दें। चलो प्याज भून लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है। देखिए तेल अलग, प्याज अलग हो गया है ना। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के आसपास अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद थोड़ा सा इसको चलाएंगे, क्योंकि पेस्ट है बहुत जल्दी पक जाता है। इसको बनते हैं 2 मिनट में, 1 मिनट आपको 1 मिनट लगेगा इसको पकने में, 1 मिनट में सज जाएगा। 1 मिनट बनने के बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, जो हमने हरी मिर्च कट रखा था, पहले हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च हल्का सा फ्राई हो जाएगा इसमें, हरी मिर्च भी डाल के हमने गैस का लो फ्लेम कर रखा है, गैस कम करके रखना आपको, नहीं तो जल जाता है। देखिए मिर्च भी हल्का फुल्का ब्राउन हो गया, मिर्च भी हल्का से भी डालना होता है। अदरक लहसुन का पेस्ट पक गया है, अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। देखिए जो टमाटर हमने काट रखे थे, टमाटर डाल दिए, टमाटर डाल दिए हमने, तो टमाटर को मिक्स करके थोड़ा सा कम आंच में पकाइए इसको, हम 1-2 मिनट के लिए ढक देंगे। अब 1-2 मिनट के लिए हम इसको ढक्कन लगा देंगे, ढक्कन को लगा के पकाएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने 2 मिनट ढक के रखा था, ये देखिए ढकने के बाद टमाटर करीब गल गए हैं 2 मिनट में, है ना। इसको थोड़ा चला देते हैं, यहाँ टमाटर पूरा गल गया है। अब बीच में भी चला सकते हो, 1-2 बार देख के, मैंने तो परफेक्ट टाइम था तो मैंने नहीं हिलाया। ये देखिए टमाटर पूरा गल गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े बहुत मसाले, आपको दिखाते हैं।
देखिए दोस्तों, मैंने मसाला डाल रहा हूँ इसमें, एक चम्मच के आसपास हल्दी पाउडर, और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ठीक है जी, एक से डेढ़ चम्मच डाल रहा हूँ मैं, कलर अच्छा आता है। ये गरम मसाला है तो आधा चम्मच डाल रहा हूँ मैं। धनिया पाउडर है एक चम्मच डाल रहा हूँ मैं, और जीरा पाउडर है, जीरा पाउडर भी मैं एक चम्मच डाल रहा हूँ, आधा किलो है, और एक चुटकी डाल रहा हूँ मैं कस्तूरी मेथी, ठीक है जी। ये हमारे मसाले हो गए, अब इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। मैं स्वाद अनुसार नमक डालना है, मैं इस चम्मच के दो चम्मच डाल रहा हूँ, ढाई चम्मच डाल रहा हूँ, बाकी अपना स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा। और ये है अजीनोमोटो, अजीनोमोटो आपको डालने होते हैं इतना, करीब चम्मच के हिसाब से तो डेढ़ चम्मच, आधा किलो के लिए डेढ़ चम्मच, अगर उससे कम है तो कम ही डालिएगा। अब हम इसको थोड़ा सा चला देते हैं, मसाला डाल के थोड़ा चलाने के बाद इसको देखिए ऐसा बनेगा ये, और मसाला हमने ऐड कर दिया है, मसाला के साथ ही आपको ऐड करना है। देखिए जो हमने रखा था काट के, शिमला मिर्च एक, और बीन्स थोड़ा सा, हमने ये दो तो भी इसी के मसाले के साथ ही ऐड कर दिया है, इसको थोड़ा सा इसके साथ मिलाते हैं। इसके साथ मिलाने के बाद हम इसको देखिए इसके साथ मिक्स कर दिए, हमने गैस कम कर रखा है। देखिए हमने इसको इकट्ठा कर दिया, अब हम इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, दो मिनट के लिए, फिर ढक के रखते हैं। देखिए दोस्तों, दो मिनट हो गए ढके हुए, ये देखिए कैसे तेल निकल रहा है, इसके साथ मसाला भी पक गया, जो सब्जी की नमी थी उससे मसाला भी पक गया, और आपका सब्जी भी पक गया, देखिए ठीक है। ग्रेवी बिल्कुल तैयार है, मैंने गैस ऑफ कर दिया है, ये मैक्रोनी उबाल के रखा था, इसमें हल्का सा तेल डाला मैंने इसमें, और हाथ में भी तेल लगाया ताकि चिपके ना, नहीं तो ये भी चिपकता है, ऐसे करके हाथ से एक ही बार नहीं पलटना है क्योंकि तेल नहीं लग पाएगा फिर सब में। देखिए ऐसे करके मैंने सब में डाल दिया है, हाथ से थोड़ा थोड़ा निकाल के, तो देखिए दोस्तों मैक्रोनी पूरा पड़ गई है। अब हम इसमें इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा धनिया, और थोड़ा सा धनिया हमने बचा रखा है, अब हम इसको धीरे धीरे प्यार से चलाते रहेंगे, अब इसको छोड़ना नहीं है, नहीं ढकना है, इसको धीरे धीरे चलाते रहना है, चिपके ना और मसाले अच्छी तरह ऐसे ग्रेवी में इसमें मिक्स हो। अब तो कम आँच में धीरे 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 इसको चलाते रहना है लगातार, करीब 4 से 5 मिनट तक। देखिए दोस्तों, मैंने 5 से 6 मिनट इसको चलाता रहा हूँ, ये देखिए बिल्कुल बनके तैयार हो गया, ये देखिए पूरा मसाला मिक्स हो गया है, ये देखिए पक गया है ना। इसको लगातार ही चलानी होती है, रात में मैंने आपको बताया था कि रुकना नहीं है, आस्ता हल्का हल्का चलाते रहना है, नहीं तो देर लग जाता नीचे। ये बन के बिल्कुल तैयार हो गया है, अब इसमें मैं लास्ट पे क्या करूँगा, थोड़ा सा जो धनिया बचा था इसको डाल देता हूँ, और कर देता हूँ मैं गैस बंद, फिर मिलता हूँ मैं आपसे सर्व करके। दोस्तों हमारा मैक्रोनी बन के बिल्कुल रेडी हो गया है, मैंने इस तरह सर्व करा है, आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आगे से सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।